अपन लगता भी ऊपर जे पिया होया, ठीक है, अपन ब्रश नाल उनु इस तरह साफ कर दो, हो गया लाइफ में। ठीक है सर। जो सुक जे गिले गिले विच नहीं, जो अपन ट्रेस करते ना गिला हुंदा हैगा, जो सुक जे उदो तुसी इत्थे ना उपर उपर नील आ जांदा मोटा मोटा, जो अपन पेंटिंग करते हो पेंटिंग दे विच मिक्स होके कलर आदि बनाई जाता हों, तो इस तरह तुसी बड़ा ब्रश लेके ऐदा साफ कर देना, ठीक है, उपरों। मैम तुसी फ्लावर सारे एक दिन शो कर दो, जिवें आज क्लास दे विच एंड ते जेड़े आपा कल करने हुंदे असी पहले ही ड्रेस कढ़ा लिया करांगी। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते, बड़ा सही होएगा। हाँ जी, फिर जो तुसी भी जिवें हुण आपा कीते फिर असी कढ़वाए, कई बारी कोई घरे नहीं हुंदा आसे पासे हुंदा फिर वो कंप्लीट नहीं हुंदा वर्क। कोई गल नहीं, तुसी बाद चो कर लियो, मैं केड़ा थोनू मोह मना कर दे, जो तो मर्जी पूछो तुसी, है ना। मैनू तो लगता है मैम दी स्पीड नाल असी मैच नहीं कर सकते, आपां नूं मैनू लगता पहला हाँ सीखना चाहिए। ओही है ना, हाँ मैं जी तुम्हें दस देना भी हूं, तुसी सीख रहे हो देख के, वीडियो पूरा ध्यान नाल तुसी देखो समझो, फिर बाद हाँ चो आराम जी नाल करो, वीडियो थोड़े कोले हैगियां, कोई भी हाँ दिक्कत जी परेशानी आउंदी है जदों मर्जी पूछो मैनू, बस मैनू मैसेज करके छड़ दिया करो, व्हाट्सएप कॉल ना करया करो, बस हाँ व्हाट्सएप जी ते वॉइस मैसेज करके अपनी फोटो भेज के जदों मर्जी पूछो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हुण देखो ये वाला कमल वाला फ्लावर है, ठीक है, आपां इहदे विच मिक्सिंग करा, ये वैसे तां फ्री हैंड भी हो जांदा वन स्टॉक नाल, ते आपां मिक्सिंग नाल भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों नाल कर सकते हैं इहनूं, तां आपां अज मिक्सिंग ही करांगे। ओ आ गए मैम, रजनी रजनी बेदी आ गए, हाँ जी हाँ जी रेडी, मैम, सत श्री अकाल मैम। हाँ जी सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल। थैंक यू मैम, तुसी मिक्सिंग दोबारा करा रहे हो। एक्चुअली मैं करवानी हुई सीगी दोबारे, पर मैं थोड़ा जा बिचो ब्रेक देना चाहती सीगी फ्लावर्स लई। देखो मेरे को हुणे 3 नंबर फ्लैट ब्रश हैगा, ठीक है, ते आपां इहदे नाल करांगे मिक्सिंग, ठीक है, आपां जिवें वाइट कलर। हाँ मैम जी, मेरे को 3 नंबर नहीं, मेरे को फुल सेट सी, मेरे को जिवें 2, 4, 6, 8 ऐदां हाँ नंबर जी, है। तुसी दो ले सकते हो, दो ओके मैम, नंबर। हाँ जी, राउंड ब्रश मैम, फ्लैट। फ्लैट देखो इस तरह, पहला आपां व्हाइट लगाना उपर, फिर कपड़े नाल अपना कलर पूंज लेना है, ठीक है, फिर तुसी पिंक लगाना है, होम हाउस हाउस लुक है, फिर ऐसा पिंक लेके ये नाल इस तरह मिक्स कर ले, फिर इतने देखो जो ज्यादा लगता थोनू ब्रश से कलर, फिर ऐसा कपड़े ना ओके पूंज के फिर इन फिर मिक्सिंग करनी है, ठीक है, ये इस तरह मिक्स होना चाहिए भी थोड़ा अलग अलग कलर शो ना हो, ठीक है, व्हाइट पिंक ते बिच देखो मिक्स शेड, ठीक है, इस तरह मैम, होनी चाहिए मिक्सिंग थोड़ी, ते ब्रश इहदे टेढ़ा विच रखना। हाँ जी ब्रश टेढ़ा रखना है, भी आप जिम्मे मैं मिक्सिंग करांगे जिम्मे अपन कंफर्टेबल हुंदा है आप उस तरह ब्रश नु मोड़ सकते हैं, एदे विच अपना कोई ओ नहीं हैगा भी ब्रश नु ऐदा ही रखना है, तुसी जिम्मे थोनू कंफर्टेबल लगता है, जिम्मे देखो थोड़ा जा इदो एवे टेढ़ा करके अपन फीलिंग करनी है इस तरह, ठीक है। मिक्सिंग तो एक यहो जी हैगी, बस ये टेक्निक सौखी है, सारे कर सकते हैं, बस ये कि बस टाइम बहुत ज्यादा लेंदी है, बस बंदा बैठा करी चले, टाइम बहुत लेंदी है, मैम केड़ा फ्लावर बोले सी तुसी? यही कमल दा फ्लावर है, लोटस। ओके मैम, लोटस। मैम मेरे हाँ को होर शेप है, अपा कोई भी शेप बना सकते हैं? जी, हाँ जी, कोई भी शेप कल बना मैं लेंगे। ग्रुप च शेयर की थी सी ना, ओदे च होर शेप सी।
हाँ जी ना कां जिवें कमल दे भी अलग अलग आ जांदे ने ते रोज़ च भी देखो थोड़े थोड़े नाल किन्ना फर्क पै जांदा है, कोई किवें दे लगदा कोई किवें दे लगदा ना। हाँ जी ठीक है। हुण देखो मेरा पता की तरीका है, ये सारे ता एदां ही करदे आ, बस दो शेड लैके मिक्सिंग करदे आ, पर मैं ना तीन शेड नाल करदी आ। ठीक है, इत्थे फिर मैं एक तीसरा कलर यूज करती हाँ जिहदे नाल ये, हां जी मैरून भी मतलब पिंक नाल होर डार्क शेड। ठीक है ओके मैम। और मैम इहदे नीचे पहला आपां पिंक लगाया, इहनूं उपर ही लगा रहे हां आपां। हाँ जी उपर ही लगाना हैगा, फिर जदों इत्थों मिक्स ना ना होवे फिर हाँ दोबारे आपका ओ वाला कलर पिंक चक के फिर चंगी तरह मिक्स करना है। जिवें थोनों एवं लगता भी इतने अड अड शो हो रहा है ते इत्थों सुक रहा है, फिर हाँ दोबारे तुसी आपका वाइट कलर लैके उन्हों मिक्स करना अच्छी तरह। ओके मैम। नहीं ठीक है, इस तरह मिक्स हो तीन शेडां दी करोंगे वो ज्यादा सोहनी लगती है, वैसे चल दो शेडा वाली भी चल जाती है, ज्यादातर सारे दो शेड वाली करते नेगे। ठीक है ओके हाँ जी मैम, 3D ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी हुण देखो मेरा नहीं नीचे पिछे पिंक सुक गया है ना, मैं पहला करी हाँ सी जी ना दी नाल हो जाता है, फिर हुण मैं पिंक टच लगा के फिर मैम ब्रश किते बिना ही दूसरा कलर ला लेना है। हाँ जी मैं देखो इतना कपड़े नाल पूंजना आपा, बस ठीक है मैम। गिल्ला नहीं करना, कपड़े नाल पूंज के सेट हो जाता है। हुण मेरा वाइट भी सुक गया सीगा क्योंकि मैं नाल दी नाल नहीं किया ना, मैं थोन दसन विच फिर वो हो गया मेरा सुक गया, तो हुण मैं वाइट भी लगा के इनू चंगी तरह मिक्स कर रही हूँ। ठीक है मैम वाइट एक च भी गिले थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर आया सी अपने, फिर आपां बाद च आउटलाइन मारदे हां वाइट दी, फिर वो ज्यादा उभर के आउंदी है। हाँ जी हाँ जी मैम करना केडे बुरश नाल ही है जी। हाँ जी आपां नूं स्पेस देखनी हुंदी है किवें सेट आ रहा है, तां इदां आपां करांगे तां टेढ़ा ही नाल ही फीलिंग होगी। ठीक है ये थोड़ा जिहा ना पता फ्लैट नाल तां ईजी हुंदा हैगा क्योंकि इहदे विच ना कलर घट आउंदा हैगा। ठीक है ते राउंड नाल करांगे, वो राउंड विच कलर बहुत ज्यादा आ जांदा है तो ताइयो सारा मिक्स हो जांदा है। मैरून नीचे लगूगा मैम हाँ जी मेहरून नीचे लगूगा। जी, जेड़ा तुसी कल वाटर कलर करवाया सी का गोल जा फ्लावर है ना, वो राउंड नाल ही होना। हाँ जी वो राउंड नाल होगा, वो इसे करके ही वाटर इफेक्ट होता है क्योंकि उस ना ब्रश विच कलर बहुत ज्यादा आ जाता है भर जाता हो, ता करके ओदे नाल उस तरह का ही इफेक्ट आता, वो राउंड नाल ही होंगे वाटर इफेक्ट वाले। मैम उस राउंड 8 नंबर सी अपना के 10। दस सी हाँ ओके जी वो अपने फुल दे अकॉर्डिंग जे छोटा वड्डा तो ओदे हिसाब नाल तुसी ब्रश नू छोटा वड्डा कर सकदे हो। नहीं आई जेडे अपनी नॉवल्टी दे राउंड ब्रश आए है ओ वाले चले जांदे है ओदे च, ओही हाँ जी हाँ जी ओही ब्रश कॉर्नर मैं भी राउंड ब्रश ना बना सकते हैं बना मैम सकदे हैं, पर ये थोड़ा ना जो दिक्कत आऊगी ओदे विच ना बनना कलर कलर ज्यादा आ जांदा हैगा राउंड च। एक बारी अच्छा जो सिखा रहे हो मैम वो सिख लैन दो, बहुत हो जाती है विचो डिस्टरबेंस बहुत होंगे है इन्ने क्वेश्चन पुट कर करके। देखो ए जी बैक साइड वाली पत्तियां आपां ओ पहलां कर ली है। ठीक है हाँ मेरे तो पहला हो गया, मैं थोनू दसन दसन के चक्कर विच हो गया, ते आपां जिहड़ी पिछे पिछे वाली पत्तियां ओ सब तो पहला करनी है फिर उपर उपर वाली। ठीक है ये मतलब वैसे ऑटोमेटिकली जेड़ी जदों थोनू तुसी करोगे ना अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज थोनू समझ आने लग जाऊगी भी मैं पहला ये करती हूँ मैनू दूजी करने में दिक्कत आ रही है, तभी मैनू पहला ओही करनी चाहिए सी, उस तरह थोनू अपने ना प्रैक्टिस नाल ही बंदा परफेक्ट होता है। जो आप कुछ भी है करते हैं आप नवे नवे आइडिया आंदे है ना। हाँ जी
ठीक है। ये मैं थोनू राउंड नाल करके दिखावा, राउंड नाल किदा हुंदा दिखा दो मैम। आ राउंड ब्रश है मेरे कोल, राउंड है मेरे कोल हैगा 8 नंबर। वैसे दी नोक मूरो पतली हुंदी है ना, ओदे नाल कोई मोटे पतले ना बाला फर्क जाता नहीं पैंदा, क्योंकि नोक तां इहदी तिक्खी होई है, अपनी यूज नोक ही होनी है। बस ऐ भी अपना कपड़ा कोले रखना है, हाथ विच दूसरे हाथ च नाल नाल में पूंछ पूंछ के मिक्सिंग करनी है। मैम ट्रेस तो बिना पॉसिबल नहीं है ना? किस हाँ ट्रेस बिना नहीं है ये पॉसिबल, एदे लिए अपन ट्रेस करनी पड़ेगी। मेनू थोड़ा जा राउंड ब्रश नाल औखा लगता है, क्योंकि कलर ज्यादा लग जाता फिर मिक्सिंग हैंडल करनी औखी हो जाती है। फ्लैट नाल अपना कलर ना नॉर्मल आंदा है, तो अपन इन्नी दिक्कत नहीं आती। ओ ज्यादातर तुसी देखे होना सारे ना राउंड नाल ही करते हैं मिक्सिंग। हाँ जी हाँ जी, मैं पूछ रही थी। मैं जिवें ये मेहरून कलर लगाया, जे होर कलर दा फ्लावर बनाना होवे उहदे विच तीजा कलर केड़ा पावांगे आपां जी? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਵਰ ਚ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਈਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਬਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਆ ਜੂ, ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਜਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਬ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ। ओके जी। ऑरेंज नहीं चलता? नहीं ऑरेंज नहीं चलता, ऑरेंज डार्क नहीं ना होगा। ओके मैम, केड़ा येलो नाल केड़ा कलर बोल रहे तुसी? ब्रांड शाइना ब्राउन या इंडियन रेड। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, इसनो अगर अपना फ्लैट ब्रश ना 6 या 8 नंबर ना बनाइए डबल शेड ना, उदा नहीं बनेगा? बन जाएगा, वही मैं थोड़ा पहले ही दसिया ना ये फ्री हैंड भी बन जूगा। तो अज मैं मिक्सिंग सिखानी सी, इस करके आप फ्री हैंड तो बहुत कर चुके आगे, तो ये फ्री हैंड भी होगा, फ्री हैंड ही बनाए सीगे मैं। हाँ जी, वो में शायद ज्यादा सफाई आवे ना? हाँ जी सफाई भी आ जाती है, नाले जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि फ्री हैंड पेंटिंग है ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀ ਸੋਚਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਟਰੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
मैम ट्रेस नीचे ना दिसे इहदे लई की करिए? ये तो बस ही करना पौगा, अस आउटलाइनिंग ना जिन्ना कवर हो जाए, आउटलाइनिंग ना ही कवर करना पैंदा हैगा। ये तो ये चीज तो आंदी आंदी है, बाकी जिन्ना निचोड़ के नील नू फिक्के तो फिक्का ट्रेस कर लो, ऐदा कर सकते हो। मैम जदों वॉश करांगे उदो नहीं उतर जूगा के नहीं उतरदा? फिर वॉश कीते तो वी कला फ्लावर्स रह जूगा ते जेड़ा नील आ उपर उतर जूगा वॉश करे तो? कईयां दे तो उतर जांदा, कईयां दे कॉटन सूती तो नहीं उतरदा, ओके सूती ते तां चिपसी हो जांदा। हुण मम्मी दा मैं सूट करिया सी मेरे व्याह वेले दा, हजे तक नहीं गया पाट नहीं पाट गया, नील नहीं गया। नाले किन्ना आपां नूं वॉश भी कर देंगे। वाटर कलर कीता बहुत पतला सी ओह भी नहीं उतरदा मैं ना सूट पेंट कीता सी, मेरे भाभी कहंदे आ कि दीदी वॉश तो बाद मैनू लगदा कि फ्लावर लाइट हो गई, फ्री हैंड ही कीता सी ओह, ब्लू कलर सी ओह वाइट ब्लू। कॉटन वाले चो तो हो जाता, कई बार जो सिंथेटिक होंगे उन्होंने तो नहीं होंगे, उम्मी रहते हैं। हाँ जी कॉटन का सूट सी मैम, कॉटन तो हो जाते ने, कॉटन हमेशा चंगी तरह वॉश करके फिर ही पेंट करो। ओके मैम मैं एक क्वेश्चन है, जेडी फैब्रिक्रिल वाले कलर है यही यूज करया करो, कैमल दे ना करया करो, ओ हो भी जाते हैं फैट पेंट जी। फिर मैम मैनु लगता कि वो ते कैमल दा ही लग गया सी इसे ले उतरिया। अच्छा हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैं जेड़े तुसी ब्लॉक पेंटिंग कह रहे हैं जी उदे विच गोल्डन सिल्वर ही चाहिए कि अपा ए कलर भी यूज कर सकते हैं जी फैब्रिक वाले? वैसे तो मैं थोनू गोल्डन वाले ही दसना हैगा, ज्यादातर प्रॉब्लम सबनु गोल्डन वाली ही आंदी है, बस ओही दसूंगी गोल्डन वाली। वैसे आहा कलर आ भी यूज कर सकदे हो तुसी, आ वाले जेडे आपां सूटां ते आ करी जाने आ। हां जी हां कलर ठीक है मैम, ओ दूजा भी करदे आ ना जिवें ब्लॉक लाता एक कलर फिर ओहदे उत्ते सेकंड कलर ओहदे उपर ही लगाउंदे आ, एदां भी देखी आ मैं सूट। ओ तां ब्लॉक आंदा है ना, ए सेट आंदा ब्लॉक दा, मतलब दूजे दे विच फिक्स उपर लगन वाला। ठीक है जी। हां जी बहुत महंगे आंदे आ, ओ तां सोचिया भी नहीं जांदा लैंदा। मैम इक स्प्रे पेंट हुंदा है ना, ओ किवें हुंदा स्प्रे पेंट? ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ एयर ब्रश कह दिंदे जिनू। हां जी नहीं ओ कैम्स भी आंदे आ सिस्टर, ओदे नाल भी कर सकदे आ आपां, एयर ब्रश दी भी नहीं जरूरत होंदी। हां नहीं ओ फिर आपां इक दा सूट करना तां ओदे लई तां आपां कुछ भी कर सकदे आ। हां ओदे लई कर सकदे आ, जिवें हुण आपां ऑनलाइन वेखदे आ कि 15-15 सूट इक्को तरह दे कीते होए आ, आपां सेल वास्ते करना ओदे वास्ते बहुत औखा ना कैम्स नाल? हां जी ओदे वास्ते औखा, फिर ओ कॉस्टली हो जांदे आ। हां जी यार आ तां सिख लो पहलां, बस ए तां हो ही जांदा। सही है गल्लां ना जी लग गया वे।
कल ही आ गई सी देखो मैं थोन दसा ना कपड़े ना पूंजना जो तुम थोड़ा जा टच ला लेने ओने का उन्ने ही कलर ओला की कोशिश कर कदम लगाया इथे जेड़ी मुड़मी पत्ती है ना एदे नाल तुसी डार्क शेड रखना है ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕੱਲਾ ਤੇ ਡਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁੜਮੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਕ ठीक है इस तरह बन गई है मुड़मिया पत्तियां कल मुड़मिया पत्तियां वास्ते पूछे सी ना इथे अपनो डार्क वाइट वाइट आऊ डार्क दे नाल वाइट आऊगा ता ही ये लुक शो होगी ठीक है ओके मैम मैम जद्दा ही बनिया बहुत सोहना बनी जांदा फ्लावर ऐ लगदा असली पिया होया फ्लावर बनिया देखते हैं फिर ओवे भी आइडिया आ जाता है कि कलर है तो असि ए फ्लावर वैसे ओदा ही ज्यादा सही बन गया फ्लावर बनिया देख के मैम ट्रेसिंग तो बिना नील तो बिना भी ट्रेसिंग लई कुछ आंदा है जिवें कुछ डार्क सूट हुंदे आ ना तो उन्हां दे उपर नील दिखदा नहीं ट्रेस करदे आ जदों आपां फिर आ गोल्डन डस्ट हुंदा है ना जिहड़ा उहदे नाल हो जांदा ओके हां गोल्डन आ सिल्वर डस्ट डार्क सूटां दे तुसीं सिल्वर डस्ट यूज करो ओके मैम मैम उपर भी जाना होगा सौखा मैम पानी च पा के नहीं नहीं जैलो कलर दा ना पेपर आउंदा है हां जी कार्बन पेपर उन्दे नाल ना ट्रेस करिए तो जमा पेंसिल वांगू दिखदा केड़े कलर दा वीरे ब्राउन आंदा हैगा ब्राउन च कलर है जी एक व्हाइट कार्बन पेपर भी आंदा फिर ओनु किदा मतलब ओ ते बस जिद्दा दूसरा ट्रेस पेपर हो कार्बन पेपर यूज करदे हो सेम ओदा ही यूज होगा ओदा ओके मैम भी कपड़े ते रख के ऊपर पेंसिल लगाओ हां हां जी हां जी ओके ओके बुक शॉप तो मिल जांदा है हां जी नहीं
देखो इन कपड़े ना पूंज पूंज के ही तुसे वो करना है गा, ड्राई कर करके ब्रश जो ज्यादा कलर लगाओगे वो पूरी पत्ती वो फिल होगी हुई। ठीक है, ये थोड़ा ही टच लाया कपड़े ना पूंज लिया फिर इतो कीता। जिथे थोनू कलर घट लगता ओनू दुबारे उथे टचिंग करके फिर ओनू दुबारे करूंगी। ठीक है, ओके मैम। दीदी जी आप डार्क सूट ते पेंट करना फिर केड़े कलर होंगे जी उथे? ओते ओते हिसाब ना जिवें कोई भी जिवें डार्क है जां लाइट शेड आ जाएंगे, येलो हो गया क्रीम हो गया पिंक सारे दी चल जांदा हैगा। आ पत्तियां ने दियां हां जी एक ना बनाई है सी इदा दियां पत्तियां ते ओना च ऐ लगदा सी जिवें डड्डू जे बने होए आ फ्रॉग जे। ओ तो बस सी कोई शेप चेंज हो गई होनी मैम, ओदे बीज जे शो करदे हुंदे आ ना विच ओ किते होणगे। मैं कल पिक शो कीती सी शायद ओदे विच भी ओदा ही होण। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਘੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਪੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਐਪ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਡੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਕ ਲੈਂਦਾ ਕਲਰ ਸੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨੀਚਿਓ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਕਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕਾਟਨ ਜ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ, ਸੇਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਪੀਸ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਬਾਲੀ ਵਰਾਇਟੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਨੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਰੀਮ, ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀਮ
पिछे डार्क जी रखना है। मैम ग्रीन दे मूरे क्रीम लाना है अपना, मतलब डार्क लाइट फेयर लाइट। हाँ मैम तुसी जो कपड़े कपड़े ते पेंट कर दे जी, मेरे को तो जिम्मे मतलब कस्टमर जेड़ा भी दिंदा है मैं तो उससे दी कर देनी हां। तुसी अपना दस दो मैम। ज्यादातर जिम्मे आंदा जॉर्जेट। हां जी कॉटन आ जांदी हैगी। अजकल जिम्मे नवी कॉटन चली हैगी, आहा स्विस कॉटन। जिम्मे मैम मसलीन ते बहुत सोना हुंदा जी। हाँ मसलीन कॉटन ते वधिया हुंदा हैगा। एक मसलीन सैमी भी आंदी है, ओ ते नहीं सकदा पेंट, ओ ते गंदा हो जांदा है, फैलदा बहुत है। हां जी फुल मसलीन ते भी फैलदा मैम, फुल ते नहीं मैं ट्राई कीता। जेडी कॉटन कॉटन मसलीन है ओ बहुत वधिया है। हां जी ओ ते जेड़ा मतलब 8-9 सौ दा सूट हैगा कॉटन मसलीन दा। हां जी ओ ते बहुत सोहनी हुंदी है। ज्यादातर जॉर्जेट कीती है मैं ना। मैम जॉर्जेट ज्यादा सोहनी हुंदी है। हां जी करेव मम्मी बाय कट करी है। करेव करेव ते पहला पार्टी वेयर सूट बहुत कीते है, जिवें सर्दियां दे सीजन च ना करेव ही आंदा मेरे कोले। हां जी मैम करेव ते हो जांदी है वाली। करेव ते बहुत सोहना हुंदा ना मैम। नेचुरल करेव ते जां प्योर करेव ते? प्योर मतलब 12-13 सौ वाला सूट है क्रेप दा। उन्हें ये विच बाली प्योर सेमी दा कुछ समझ जा नहीं आंदा। नहीं मैम वो सेमी क्रेप ही कहंदे आ उन्नू। तीन टाइप दी हुंदी है ना, एक एक जमा कटी है 1200 दा, 1200 दा कहके लोगे ना ते मिल जाएगी क्रेप। अच्छा एक और फ्लावर करा दा मिक्सिंग दा करवा दो मैम। हां जी करवा दो जी मैम। हुण कुछ होर करवा दिंदे आ ना, सारयां नूं पुछ लो। हां जी सारे दा वाटर इफेक्ट दा करा दो, नहीं तां समझ आ गई चंगी तरह। थैंक यू मैम। हुण मैं थोनूं इक चीज होर नवीं दस्सां। आ मिक्सिंग वाला फ्लावर सीगा, एदे विच सच मैनूं ना किसे ने राउंड ब्रश नाल पत्तियां पुछिया सीगा, वो हैगी विच छुट्टी तो नहीं मारी है मैम। देखो एदे विच आपा दो कलर लेके ना इस तरह ग्रीन ते क्रीम, ठीक है दोनों शेड लेके इस तरह तुसी राउंड ब्रश नाल बत्ती बनानी, ठीक है एदे विच अपने आप दोनों शेड आ जाएंगे। मैम कई फ्लावर च भी ऐसा शेड दिते हुए आ, ओ भी ऐसे गिल्ले गिल्ले जे च करदे आ ना एदा हो ही जांदा। हां जी इकट्ठा ही कलर, नहीं मैम इकट्ठा ही कलर ला के ना ते इकट्ठा ही जिवें तुसी पत्ती बनाई आ एदा ही बन जांदा। हां देखो ओ चीज भी आपां इक करके देखिए माड़ा जिहा, मैं ज्यादा कदे करे नहीं ओ। मैम वैसे ग्रीन ही आया एदे विच ज्यादा। हां देखो इत्थे क्रीम भी आया ना थोड़ा जिहा जिवें बाद चो फिर तुसी उपर, हां उपर फिर टच ला दो क्रीम लगा के कला। ओके मैम ना पेंटिंग दा कोई अंत ही नहीं गा। हां जी मैम वैसे ना ओदे च बहुत ज्यादा कलर लग्या हुंदा ओदे ते ओ लुक आंदा फिर जेड़ा आपां कह रहे हां लाइनां जियां वाला। किस तरह मैम जेड़ा आपा कहने है ना भी इन्ना दोनों कलर आंदे आ पूरा भर के ब्रश कलर लांदे आ फिर आंदा ओ लुक भी दोनों कलर आ जांदे आ ओदे विच। ज्यादा ना पेजां ते आंदा हैगा, पेजां ते देखदा हां पेजां ते। हां जी हां जी पेजां ते आंदा ओ कपड़े ते तां मिक्स हो जांदा ना। हां जी हेलो मैम देखो इस तरह देखो ठीक है। हां जी इस तरह भी एवं जे करके ना एदा लगा के स्टॉक फिर बाहर जो बिच क्रीम लगा के राउंड नाल इस तरह कर सकते हैं। हां जी हेलो मैम ठीक
काफी कलर वाला से एक लाइट छोटा छोटा कैसे मैं दस दंग याद नहीं रहता कई जने तो सेंड कर देंगे जेड़े मैं पूरा कर दो आ दस दो किवें बनूगा की चीज मैं आप लाई दस दो किवें बनूगा जेड़ा पूरा कर दो बड़ा हां जी अद्दा करके सीगा मैम ए वाला तो बस सही मैं पत्तियां ही आ करियां सी इनु पूरा भरा मैं हां जी दस दो जी बढ़िया लग रहे जी देखो फिर अपोजिट डायरेक्शन रखनी है दोनों कलर्स दी हां जी फिर कोई भी कलर कर सकते ने जी हां जी कोई भी कर सकते ठीक है जी ठीक है हेलो दीदी टोरिए दे दुपट्टे ते कलर सही हो जाऊंगा जा फैल दा ज्यादा ओदे ते केड़े ते डोरिया दुपट्टा आंदा ना दी कॉटन च कॉटन डोरिया को हां जी हां जी बढ़िया हुंदा बढ़िया पेट हुंदा ओते ओके कोई फैलदा नहीं देखो पहला नीचे तो ऊपर नू जी फिर ऊपर वाइट नीचे नू फिर ऐसा मिक्स कर दो पिंक ना ये छोटे छोटे फ्लावर सूट ते भी सोने लगन ये नहीं लगते दी नहीं बढ़िया लग रहे यार ये अपने तो छोटे ही खड़े हैं मैनू लगता है जितने तक कोई छोटे छोटे भी फ्लावर दस्यो कोई छोटे छोटे बारीक वाले भी दो तीन तो हो गए यार छोटे फ्लावर था छोटे देख दे आजकल तुसी प्राइस कितना डिसाइड कर दियो कादा पेंटिंग ना डिजाइन दे अकॉर्डिंग होंदा बाकी नॉर्मल जिवे बुटीक वाले दा फिक्स करके रखना पैंदा है थोड़े हैवी डिजाइनर दा उस तरह ही फिर डिजाइन दे अकॉर्डिंग लेना पैंदा है ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀ ਜੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 600 ਸੂਟ ਦਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ 600-1200 ਲੈਣੀ ਆਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ 1200 ਵਿਦ ਦੁਪੱਟਾ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ 500 ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਜਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਦੀਦੀ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ ਐਂਡੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ
जिन्नी मर्जी सफाई हो अपने ना लोगों पता की प्रॉब्लम है बुटीक भवे जाके 2000 दे देन जे वैसे कोई करदा ना ओनू कोई 600 देके भी नहीं राजी हैगा रोज बनाए हुए काफी वड्डे वड्डे जिहड़ा वड्डा ब्रश अपना ओहदे नाल बनाया तुसी हां जी जिवें अपना लगी हुई आ 10 नंबर नाल मिक्सिंग ही आ ओ सारी ठीक ठीक है ठीक है हां जी बहुत बढ़िया लग रहा मैडम ये तो एदे विच भी आ चीज बनी हुई है मैम ये कितने इंच तक हो गई ए पत्तियां सने ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਊਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਓਕੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਗਜ਼ੈਗ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਗ ਜੈਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਲਰ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲੀਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ हेलो मैम हां जी एक वाइट फ्लावर मैं पूछे से सन व्हाट्सएप किया सी और मेरा दुपट्टे पे प्लीज और बना के दिखा दो एक मिनट का गोल फ्लावर देखियो मैम ये केड़ा कलर लिया पहला तुसी ब्रश ना गंदा सीगा पानी वाला फ्लैट वाले राउंड ब्रश नहीं मिले हजे बेस बना बेस लाना मैम पहला एक मिनट ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੈਮ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ छोटी छोटी सी आदि जेडी आपां बनाई हां छोटी छोटी सी हां जी इहदे बहुत ट्रेंड चल रहे मैडम मैं वीडियो रुकूगी थोड़ी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਬਰੱਸ਼ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਏਦਾਂ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਓਵਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਕਲੀਫ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਰਕ ਆਜੂਗਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਵਾਈਟ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਪ ਆ ਗਈ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕਲਰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਦਵਾਂਗੇ ਮੈਂ, ਮੈਰੂਨ ਤੇ ਪਿੰਕ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਿੰਕ ਮਹਿਰੂਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਮ ਮਹਿਰੂਨ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੈੱਡ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਰਾਊਨ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਰ ਬਣਦੇ ਆ।
ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲਰ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਪਰੇ ਬੋਟਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਪਾਉਂਗੀ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਊਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਲੋ ਪਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਸ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਪਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲੋ ਵੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ੇਡ ਜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਘੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਲਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਲਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਲਰ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਫਲਾਵਰ ਦੱਸ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ
मैम डिस्टर्बिंग हो रही है। बंद हो गया हूं मैम ने म्यूट करता। ठीक है हाँ जी हूं ठीक है। ठीक है इस तरह अपन फैला लेना दी इस कलर नु पतला करके भी ला सकते हैं या एवं ला सकते हैं पतला करके भी ला सकते हैं। वैसे मैं ज्यादा पतला करके लानी हुनी हां हां जी ओदे विच दिक्कत नहीं आंदीगी पतला करके कुछ सही लग जूगा जिवें हुन एक थां ते रुक रुक के लग रिया जिवें। मैम अगर घेरे ते करते हैं तो किन्ना करना चाहिए फिर ओ थोड़े डिजाइन दे अकॉर्डिंग तो थोनो देखना पड़ेगा। ओके मैम सारे दुपट्टे ते भी कर सकते सारे दुपट्टे ते बॉर्डर बॉर्डर ते हां बॉर्डर बॉर्डर ते कर दीदी जे कलर आप लगातार लाई चाहिए वर्ष ते तो वर्ष अब दे हां जी तो के जांदा है की हो जांदा है अगे तो दीदी बुरश जुड़ जाता गा ओनू फिर धोया करो ना जो जुड़ जाता दीदी तो दो मिनट बाद जुड़ जाता दीदी एक तो कमल का फुल है दोबारा दसो मैं थोड़ा जा मैम एक बार जिम्मे बन गया उस तो बाद जो सफाई ना तो दोबारा बनाना है तो कि बनावे वाइट ना आउटलाइनिंग हो जी बस ब्लैक ना नहीं ब्लैक नी सोना लगता अजकल ब्लैक ना हल्का हल्का टच बस फ्री हैंड वाले फ्लावर च यूज करिया करो होर जेड़े दूजे आपां ट्रेसिंग वगैरा करते उन्हां च ना यूज करिया करो डायरेक्ट कलर यूज कर लिए जिटे पेंट कर दे ओही कलर नाल हो जाओ डायरेक्ट यूज कर लो बिना पानी तो हाँ मतलब थोड़ा जा सॉफ्ट कर लो भी चले थोड़ा कि ब्रश अटकी ना जावे ठीक है। देखो तुसी सारे डिजाइन विच इस तरह दे स्ट्रोक्स लगा लेने हैं जिवें नीचे बेस लग चुका है हेलो मैम एक कनक दा सिट्टा जी वांगू जिवें बनदा ओ दस सकदे हो ओही बना रही हां देखो एक ता एक मिनट रुको मैं आई
हां जी देखो ये आ गए एयर बर्ड्स, ठीक है, इन्हां नूं तुसीं बन लो कट्ठे जे करके थोड़े जे, ठीक है। हां जी ऐदां कट्ठे कर ले तुसीं धागे नाल जां कुछ भी कासे नाल बन लो, ठीक है। मैं फिर इन्हां नूं सिंगल सिंगल यूज करना खोल लूंगी, या तुसीं सिंगल सिंगल नाल भी कर सकते हो, बनना नहीं पैणगे। देखो मैं उत्ते ना रबड़ चढ़ा के फिक्स कर लिया, ठीक है। हुण जिवें मैं कलर लगा रही हां इदां ते इदां इदां, ग्रीन ना पहला पत्तियां बनाउण तों बाद। हां जी ए बस इदां इदां उपर उपर इदां इदां करना, ठीक है। देखो कैंट बन गई ना। हां जी पहला ब्लैक लगाया तुसी मैम जेड़ा, हां जी पहला नीचे ना ब्लैक डंडियां एदा ही बस थोड़ा ग्रीन मिक्स करके भी डार्क भी, जिवें नीचे मैं ग्रीन बेस लगाता सीगा जिवें सेम ओमे करदी तो मिक्स हो जाना सीगा, तो मैं थोड़ा ब्लैक ऐड कर लिया। ते पूरा प्योर ब्लैक भी नहीं हैगा, समझ लो ग्रीन भी विच मिक्स हैगा, ठीक है। जी मैम जेड़ा तुसी थल्ले वाटर बेस लगायागा भी इको इको जा होना चाहिदा जे घट वध हो जे कोई चक्कर नहीं, ए लाइट डार्क होगा नहीं ऐसा नहीं, जिम्मे ऊपरों इको जा होना चाहिए, मतलब जिम्मे एक साइड तो ज्यादा तान हुआ है। हाँ ए ना एक डिजाइन जा सीगा थोड़ा जा भी आए ऊपर जेनो भी बंदा सीगा आया, हाँ जी कॉर्नर वाला भी आ छलियां जी आए आए ऊपर ऊपर आके ना इधर तक आए में कवर हो जाता है। ठीक है चलो पहला टाइम लग जूगा मैम, ये वध घट हो गया कि कुछ नहीं हो गया, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਮ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ? ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਮ? ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਫਲੈਟ। ठीक है एक साइड पिंक ते एक साइड फिर वाइट इफेक्ट भी देना आपां इस तरह, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा जा जिवें आपां एयर बर्ड्स नहीं यूज करने ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਟੱਚ ਲਗਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਟੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3D ਲੁੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਬਲੈਕ ਦਾ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 3D ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ। ਮੈਮ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 3D ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਇਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਲੈਕ ਟੱਚ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਲਾਇਆ ਬਲੈਕ ਲਾਇਆ ਵਾਈਟ ਲਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ 3D ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ मैम ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 9-10 ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਏ 11 ਮੈਮ 4 ਦਿਨ ਪਏ ਮੈਡਮ 11 ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਸਿਲ ਤੇ ਬਲੌਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਚੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਅੱਜ 10 ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਆ ਮੈਮ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 11 ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸਟਰੋਕ ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਣਿਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੂੰਗੇ ਫੱਟੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਓਏ ਓਕੇ ਲੱਗੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਪੱਤੀ ਚ ਵਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ ਐਦਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਲਰ ਦੋ ਕਲਰ ਲਗਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿੰਗਰ ਘੁਮਾ ਦੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਦੇ ਆਹ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਨੀ ਪਾਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਲਰ ਓਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਓਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਓਨਾ ਹੀ ਥਿਕ ਲਿਕਵਿਡ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹਾਂਜੀ ਰਜਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿਊਟ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ
देखो वाटर इफेक्ट वाला अपन कल भी बनाया सी ना, ते एक और बना दे वाटर इफेक्ट का ना एक मतलब ए हैगा कि आपा इको शेड नू जदों वाटर इफेक्ट च करदे आ ओहो अपने आप ही लाइट डार्क होता है। ठीक है हुण जिवें ए बना लिया फ्लावर, ठीक है पेंसिल नाल। एक मिनट मैं ना अपना पानी चेंज करके आनी है, वेट। बटरफ्लाई खाती मैम ने, कल खाई थी बटरफ्लाई, कल क्लास में हैंड थी वो बटरफ्लाई फ्री हैंड वाली सिखाई थी। ठीक है कल कई आंदे सी ड्रॉ करके, तो इजी आ वो ड्रॉ करके तो होती नहीं वो इजी था, पर कल दी नहीं आई कैसी भी आज कल उदो कई मिस हो गए सी के मतलब कईया ने लीव करता सीगा, फिर मैम कहंदी सी वी कोई नहीं मैं कल नूं दोबारे सिखा दूंगी बटरफ्लाई दा, तां कोई नहीं ना जिन्हां ने कल लीक करता सी ओह देख सकदे आ दोबारा। यार YouTube ते सारी वीडियो पई हुंदी है आपां कर सकदे आ। हां जी वीडियो ते लॉस है जे आपां एक ही चीज बार बार करांगे तां ओना ही आपां घट सीख पावांगे। हुण मेरियां 5 क्लासां मिस है, मैं भी तां सिर्फ YouTube तों करूंगी। वीडियो ही बंद होगी, मैं माँ के चला लेंगी। सारे कोल बंद हो गए? हाँ जी हाँ जी। तो जड़ियां अपनी छोटियां छोटियां कंफ्यूजन होंगी है ना आप उसको देख सकते हैं दोबारा। सही है देखो पूरा वाटर इफेक्ट वाला दोबारे देखो। ठीक है ये ना एक कोई शेड च करना होता है, अपन डबल शेड नहीं अपन इधर भी यूज करना वाटर इफेक्ट च। वाटर लगाया मैम, वाटर तो आप बड़े ब्रश नाल भी लगा सकते हैं ना। हाँ जी किन्ना पलौना हल्का या पानी अच्छा पानी भी फिर उन्हें एरिया च लाना है जो ड्रॉ किया हुआ। हाँ जी हाँ जी बस बाहर ना जावे, इतनी कलर बाहर चला जाऊगा पानी ना बाहर जावे, पानी बाहर गया ना कलर भी बाहर जाऊगा। हाँ जी देखो हुण जिवें आपां इत्थे हुण आउटलाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है एदे नाल एदे विच ना अपने आप इहनूं फैलना चाहिंदा पानी नाल। मैम आउटलाइन आपां वाटर तों बाहर कीती है? हाँ जी वाटर तों बाहर कीती है। ठीक है ठीक है ठीक है जी इस तरह। फिर भी जे तुहानूं थोड़ा नहीं फैलदा फिर ब्रश ते पानी लगाओ फिर उन्हूं थोड़ा जिहा अंदर फैलाउण दी कोशिश करो। ठीक है इहदे नाल ही आप दे कलर नाल ही लाइट डार्क जिहड़ा इफेक्ट आउंदा हैगा, आपां मतलब इहदे विच वाइट नहीं यूज करना गा, बस इसे नूं ही पानी नाल लाइट डार्क शो करना है। यही वाटर इफेक्ट दा असली मकसद हैगा। ठीक है मैम कल आपां वाइट यूज कीता सी। हां ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਵਾਈਟ ਵੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਈਟ ਵੇਸ ਉਹ ਡਾਰਕ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼। ਵਾਈਟ ਵੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਟਾਈਟ ਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਭਈ ਇਹ ਕਲਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕੋਟ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਮ ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਦੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿੰਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣਾ ਘਾਹ ਜਿਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਘਾਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨੀ ਗੀ ਘਾਹ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜੀ ਓਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਮੈਮ ਬਰੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਫਲੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗੋਲ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਲੋ ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਮ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਫਿਰ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ
मैम तुसी इंस्टा ते एक पोस्ट पाई हुई आ एदा ही बना के गोल गोल जो विच घट वध जे आ सूट पेंट दस दो किवें आ मैडम मैं सैफ ग्रीन दे विच केड़ा कलर पाया बहुत सोहना लग रहा ग्रीन शेड इहदे विच क्रीम दा टच दित्ता नहीं जी डार्क ग्रीन है जेड़ा उहदे विच सैफ ग्रीन च कोई कलर मिक्स करिया होया है नहीं सैफ ग्रीन दे विच डार्क शेड पाया ब्लैक पाके डार्क कीता ठीक है मैम जी मैम ये व्हाइट जेडे ऊपर फुल बनाए किन्ने नंबर ब्रश ना बनाए ये मैं राउंड फ्लैट 8 नंबर ना बनाए बस सीधे डॉट डॉट जे लाने मैम को पा के लावांगे इस तरह देखो हम थोड़े सामने लाया किसे चले गए सीगे ऐदा ठीक है मैम कितने नंबर ब्रश है ये 8 नंबर है ना राउंड फ्लैट हां जी हुन देखो अपना मैरी गोल्ड फ्लावर हां जी हां जी अब खराब ब्रश लेना है हां जी वीडियो पॉज हो गई और कुछ हो गया वीडियो पॉज हो गई पॉज ही हुई है हां वीडियो पॉज हो गई मैडम को ना कॉल आ गई था पॉज हो गई कोई बात ओके सर ठीक है जी मैम ये जड़ा तुसी खराब ब्रश लैन नु कह रहे हो हां जी एक अपन तुसी पिक पाई सी ना स्टार्टिंग दे विच राउंड राउंड जी वाले ब्रश सी ओ भी यूज हो सकदे है इथे राउंड राउंड मैम नीचे बेस केड़ा लाया दसना है पिंक मैडम बोल के दस दो सन पता नहीं लग रहा पता जा नहीं लग रहा मैम चलो एक मिनट चुप करो आ तो ओ जेडी स्प्रे कीती सी ओहो हैगी ए एदी कोई लोड नहीं नीचे वाले दी ठीक है वैसे इधर जगह खाली सी तो मैं बना रही हां हां जी अब मैं पहला इधर नीचे लाया पिंक बेस ठीक है राउंड च मैम एही हैगा मेरे को फ्लैट खराब होया ब्रश ठीक है मुरो खिल रहा होया दबा दबा के डॉट डॉट लाने हैं मैम ये घुमा के पूरा एमे बस ऐदा ही स्ट्रेटली ठीक है ठीक है हाफ राउंड बनाना मैम ये हां जी ते ऊपर अपना आ जाऊंगा व्हाइट ब्रश डॉट के ब्रश नु पूंज के व्हाइट कलर लगाना है ते नीचे आ जाऊ अपना डार्क मेहरून जा रेड ले सकते हो कोई भी डार्क शेड लेना नीचे ठीक है मैम ठीक है हां जी फिर आप ये नीचे ऐसा डंडी वीडियो फिर पॉज होगी मैम कॉल कॉल आया कॉल आया उन्हें टाइम जो कॉल नहीं आया कोई और नेटवर्क इशू है अब डंडी बांध जूगी उन्हें टाइम पेस्ट कर ले प्लीज तो आप किसी भी देखोगे ना जूम पे जो मीटिंग चल रही कॉल आते फिर वीडियो पॉज हो गया हां देखो बन गए ना और फिर पता नहीं चलता हां जी पता नहीं ना चलता फिर की हो गया मैम डंडी दोबारा दस दो कोई गल नहीं डंडी दस दो मैम मैम सोना बनया पर समझ नहीं लगी मैडम दो बारी वीडियो पॉज हो गई जी पॉज हो गई और नेच थोड़ा फुल पूरा हो गया कोई नहीं है तो आप दोबारा भी बना देंगे वीडियो दोबारा ओदे विच दस रहे ने मैम देखो बहुत सोना बने ध्यान ना देखो हुन सारे जाने ए हैगा मेरे को ले पांच नंबर खिल रहा होया ब्रश ठीक है देखो बिल्कुल खिल रहा होया झाड़ू बनया होया पूरा फ्लैट मैम फ्लैट हां जी फ्लैट एदे ना पहला अपन पिंक दा लावांगे एदा डैब डैब करना है ठीक है जी ठीक है पिंक ला लिया ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ
नीचे ला लिया मेहरून। ठीक है ते फिर तुसी फिर बिच पिंक ऐड करना है। पिंक बिच दबिया गया ना पिंक नु थोड़ा जा मेहरून दे उत्ते लेके आना है। ओके मैम। ठीक है ठीक है मैम। ते हुन एदी डंडी आए भी ला सकदे हां आपां ते एदे ना दोनों नाल इफेक्ट दा बहुत फर्क पैंदा है जे आपां इदां ला दिए लगी जांदी। किस नंबर नाल आ मैम? ए मेरे को 6 नंबर फ्लैट है। देखो एदे नाल देखो एदे नाल आए लगदा है भी बाहर नु निकल रहा है। ठीक है एदे नाल लग रहा है भी वो अंदर नु कंजम्प्शन जा हो गया। ठीक है देखो हां जी दोनों दा इफेक्ट फर्क है ना। हां जी हां जी ए हुन तुसी आप दे अकॉर्डिंग जेड़ी यूज करनी है टेक्निक दोनों चो पत्तियां दी वो कर सकदे हो भी केहो जी लुक देना चाहंदे हो तुसी डिजाइन नु। नहीं जेड़ी तुसी इधर दूजे दी पत्ती सिंगल कलर दी लगूगी। हां जी सिंगल डबल दी भी ला सकदे हो थोड़ी मर्जी है। डबल ता थानू पता ही है किवें चकना कलर। मैडम एदी पत्तियां भी ब्रीक सिंगल कलर दी ही हुंदियां ने ना। हां जी ज्यादा तो सिंगल ही। ट्रेस वाली फोटो भी प्लीज हुणे पा दियो कढवाउणे आ। मैम जेडे तुसी अज ट्रेस कीते होए सी फ्लावर हां जी उहनां दी फोटो हां जी ठीक है हां जी जुड़वा फ्लावर सी ना रोज वाला ट्रेस दिखाया सी तुसी केड़ा दो फुल सीगे ना कठे तुसी एक ट्रेस चक के लेके आए सी अंदरों। हाँ वो मैं करता सीगा सेंड मैम बंद कर दो यूट्यूब वाली। हां जी।